हाय गाइस, ये है मटर का अचार जो आपने कभी नहीं खाया होगा। इतना टेस्टी है। अभी मटर का सीजन चल रहा है तो इसे आप बना के स्टोर करके रखिए और पूरे साल ये चलता है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटर के दाने लिए हैं। ध्यान रखें कि इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और हम लेंगे सरसों। सरसों को मैंने पहले ही पीस लिया है। बाकी जो हम मसाले डालेंगे उनको हम रोस्ट करेंगे, तो सरसों को पीस लें। बाकी हम लेंगे सौंफ, अजवाइन, जीरा, मेथी दाना और कलौंजी का अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को एक पैन में डाल के हमें इन्हें भूनना है। ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना। इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे, तो ब्राउन होने तक हमें इन्हें भूनना है। बिल्कुल धीमी आंच पे रखिएगा। 2 से 3 मिनट के अंदर आप देखिए इनका कलर चेंज हो गया। अब इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दें, फिर हम इसे मिक्सर में डाल के पीसेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इन मसालों में। इसका हमने ये पाउडर बना लिया है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो सरसों हमने पहले से ही पीस के रखी हुई थी वो सरसों हम इसमें मिक्स कर देंगे। सरसों से अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा बनाता है, तो इसे भी ज़रूर डालें। नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है अचार में, तो नमक की क्वांटिटी आप डबल रखिएगा। हल्दी पाउडर डालेंगे हम थोड़ा। अब हम यूज़ करेंगे सिरका। तो यहाँ पे मैंने टॉप्स का 2 चम्मच सिरका हम इसमें डालेंगे। और हम लेंगे सरसों का तेल, तो एक छोटी कटोरी मैंने सरसों का तेल लिया है। ये सब डाल के हमें इस मसाले को अब मिक्स कर देना है। हल्का सा गीला इसका मसाला बन जाएगा। ये देखिए मसाला रेडी हो गया। अब हम इनको मटर में मिला देंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 छोटी कटोरी सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से अचार की लाइफ लंबी हो जाती है। आप इसे आराम से 1 साल तक भी रख के खा सकते हैं। तो अब मसालों को और मटर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बाद में हम इसे एक कंटेनर में डाल देंगे और इसे हमें 1 हफ्ते तक दिन में थोड़ी थोड़ी देर के लिए धूप में रखना है। चला दें एक बारी इसको बीच बीच में और इसको धूप में रखें। 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि मटर जो है वो श्रिंक हो जाएगी, ऑयल पूरा ऊपर आ जाएगा और हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो खट्टा खट्टा टेस्टी मटर का अचार जो आप पूरी साल एंजॉय करेंगे, खाने के लिए रेडी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।